आज का सीन ये है कि दोस्त का है वलीमा, आपका भाई जो है रेडी हो चुका है जैसे। तो गाइस सारा गैंग जो है हमारा इकट्ठा। हाँ तो भाई फाइनली जो है रोटी खुल चुकी है सारे भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर बॉय अहज़म भट्टी। उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। तो भाई आपका उठ चुका है। आज का सीन ये है कि दोस्त का है वलीमा, हमने जाना है तकरीबन 1 बजे, अभी 11 बज चुके हैं। तो फटाफट से रेडी होते हैं और रेडी होकर पहुँचते हैं अपने दोस्तों के पास, वहाँ से अपना सारा गैंग इकट्ठा करते हैं और पहुँचते हैं इवेंट पे। लेट्स गो। ए फ्यू मिनट्स लेटर। हाँ तो भाई फाइनली आपका भाई जो है रेडी हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं दोस्तों के पास, पूरे गैंग को पिक करते हैं और वेन्यू पे पहुँचते हैं। लेट्स गो। 1 आवर लेटर। तो गाइस सारा गैंग जो है हमारा इकट्ठा हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी जो है हम सफर पे रवाना होंगे। A few inches later. भैया चेक, रब दिया देन, ये I'm blessed, यारी चेक। तो गाइस फाइनली जो है हम मेन्यू पे पहुंच चुके हैं। अभी जो है अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। A few minutes later. तो गाइस अभी जो है दूल्हे के साथ फोटोशूट का सीन चल रहा है, उसके बाद जो है रोटी शोटी का निज़ाम होगा। फटाफट से फोटोशूट करते हैं और फिर रोटी शोटी खाते हैं। Later. तो यार अभी जो है दूल्हे की जो फैमिली है वो सारी आ चुकी है, दुल्हन की फैमिली का वेट हो रहा है, उसके बाद जो है रोटी खुलेगी। 10 seconds later. तो भाई यहाँ पे सब जो है रोटी का इंतजार कर रहे हैं, शफीक अहमद पता नहीं कब आएगा, कब रोटी खुलेगी, सारे जो है बेहाल हुए बैठे हैं। 20 minutes later. हाँ तो भाई फाइनली जो है रोटी खुल चुकी है, सारे बशिंदे जो है रोटी पे टूट पड़े हैं। तो अभी फटाफट रोटी पाते हैं और खाते हैं। Few moments later. यहाँ पे जो है पत्ते के पीछे एक बशिंदा छुपके से पराठा खा रहा था, तो सारे जो है उसके पास पहुँच गया पराठे के साथ जो मोर है, जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे। हालांकि वलीमे से भी रोटी खा गए हैं, यहाँ पे अलहदा से उन्होंने पराठा खाए और अकेले खा रहा था। Eventually. यहाँ पे जो है रोटी के बाद जो है कुत्ते वाली गेम शुरू हो गई है, बाकी बशिंदे जो है चले गए हैं, कुछ जो बाकी रह गए हैं वो सारे गेम पे लग गए हैं। A few minutes later. बॉयज फाइनली इवेंट से फ्री होके जो है हम पहुंचे हैं चाय पीने, अभी चाय शाय पी के घरों को निकलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मज ना परेशान बैठा होता है जिंदगी के मकसद, जिंदगी के मकसद जो ना गवा बैठता है, बड़ा परेशान होता है, दिल का सुकून भी नहीं मिलता। तो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए ना बड़ी तपस्या करता है, बड़े मौलवियों के पास जाता है, ठीक है। सब कहते हैं कि जो नसीब में लिखा होगा मिल जाएगा, जो नसीब में लिखा होगा मिल जाएगा।
ये बस में जा रहा होता है, एक बंदा आता है भट्टी बेचने वाला, तो इसकी ना उससे दुआ सलाम होती है। तो ये उससे पूछता है, यार तेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? कहना भाई सुबह उठते हैं भट्टी की चक ले बसा के जाने भट्टी बेच के 450 रुपया कमा लें। कहना मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद लग रहा, मैंने ज़िंदगी का मकसद नहीं लग रहा। वो कहना फलां जंगल के जाइए, उत्तर तेन एक दरख्त नजर आऊगा, ग्राउंड खाली मैदान एक दरख्त लगा होगा, डाय लगा। कहना उत्तर तेन एक बाबा लगेगा अधेड़ उम्र का, ठीक है, वो तेन तेरी इस गल का जवाब दे सकता। को बबे ने अपनी सारी बाबा इन्नी उम्र हो गई मेरी, मैं जरा ना जिंदगी का मकसद नहीं लभ सकिया, मैनू पता नहीं चल रहा कि मेरी जिंदगी किहड़े पास में जा रही है। मैं लोगों को वेखदा, दुनिया को वेखदा, बड़े गुनाह हो रहे हैं, बड़े अजाब दे विच दुनिया जा रही है, मैं समझ नहीं आ रही मैं की कर रहा। बाबा उठदा, तीली चकदा, बोटी कढ़दा, बाहर कहिंदा जा यार तंग ना।